जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। विदिशा जिले में पुलिस ने दो संदिग्ध महिला पुरुष को हिरासत में लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, दोनों ना हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। ट्रांसलेटर की मदद ले रहे। उनकी भाषा अरबी या रशियन जैसी लग रही है। उनके पास जो दस्तावेज और पासपोर्ट मिले हैं वे ईरान के हैं। वे तेहरान से दिल्ली होते हुए यहां आए हैं। उनके पास से अमेरिका, ईरानी और भारतीय करेंसी भी मिली है। वे जिस टैक्सी में आए थे उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। मामले की जांच आगे की जा रही है। वहीं इंदौर में 16 साल की लड़की ने छेड़छाड़ की झूठी FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया। खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग का 9वीं की छात्रा होने का दावा किया, जबकि चालान डायरी में जिस स्कूल में नाबालिग ने खुद को जाना बताया था वहां 9वीं तक क्लास ही नहीं है, स्कूल 8वीं तक ही लगता है। पूछताछ होने पर नाबालिग ने ऐसा आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि मामा के कहने पर उसने ऐसा किया था। कोर्ट ने ही पूरे मामले में पुलिस को गलत FIR दर्ज करने की बात कही। जिला न्यायालय में वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने बताया कि 9 अप्रैल 2017 को वंशी माधवानी के खिलाफ 16 साल की लड़की ने थाना सराफा में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। नाबालिग ने पुलिस से शिकायत में बताया, मिलन साड़ी की दुकान पर वंशी माधवानी ने लड़की का नाम पता पूछकर पहचान की, इसके बाद परेशान करने लगा। पुलिस ने वंशी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।